बारे जो मेरी खुशबू आ बात हजरत मूसा ने भी इया दुआ मंगी रब्बे शराह ली सदरी परवरदिगार एने मेरे जालिम के सामने जो भेजे ना पाए मत मेरे सीने की ताकत पैदा कर रब्बे शराह ली सदरी परवरदिगारा मेरा सीना कुशादा कर दे वयस्सिर ली अमरी मेरा काम आसान कर दे वयफ्कहु कौली वजअल ली वजीरा मिन अहली मेरी जबान दी गिरह खोल और मेरी मेरे घर दे विच एक मेरा वजीर बना जेड़ा मेरी पुश्त पनाही कर सके मेरी हिमायत कर सके। अल्लाह ने जनाब हारून अता किया हारून को भी नाल भेजा हारून मूसा दा वसी है ते पैगंबर भी यह दुआ जरा मंगी फरमाया तेरी मिसाल मेरे नाल ए इन्हें है जिवें मूसा ते हारून दी मिसाल है या अली तेरी भी मिसाल मेरे नाल इन्हें है मूसा दा वसी हारून है तू मेरा वसी है। वजीर दा माना के होंदा है बोझ उठाने वाला जरा बादशाह दा बोझ उठाता है तू वजीर है लिहाजा मैं तू वजीर अता कर हजरत मूसा को अल्लाह ने हारून जैसा वजीर अता किया उम्र मुकर्र रही जनाब हारून हजरत मूसा इतनी तेजी नाल तकरीर नहीं कर सकते उस जुबान दी निकले लेकिन अल्लाह ने जरा वसी अता किया उही वास्ते बहुत बड़ा फसी और बलीग फतीह अता शरह सादर के बारे जेड़ा एक नजरिया यह है कि जो वे हजूर पैदा था वक्त फरिश्ते आ गए एक दफा भेड़ चरण वजह तो उठा उन्हें पकड़ किया उन्हें सारे सीने को धोता तो सारा अंदरों साफ किया फरमाया नहीं ये सारे मुफस्सिरीन ने आखे कि ज़ईफ रिवायत है इनका कोई मूल पाठ नहीं शरा सदर मुराद ऑपरेशन करना नहीं शरा सदर मुराद मन की ताकत सीने च अदा करना कुवत अदा करना पुश्त पनाही अदा करना जब कोई जालिम तेरे सामने आसी तेरे को शिकस्त खावे सी तेरे उते ना डर ताईद खुदाबंदी को आदिन शरा सदर ताईद खुदाबंदी को आदिन शरा सदर मेरे सीने कुवत पैदा कर ताकत पैदा कर وَوَزَعْنَا عَنْكَ بِزْرَكَ और क्या असर तेरा वो बोझ हल्का नहीं कर छोड़ा कि तू चाहना हमें इस्लाम फैले हम तेजी का इस्लाम फैलता पाए तेरा बोझ हल्का ठीक है तेरे जेब पे बोझ आ तेरे कंधे पे बोझ आ अल्लाह जी अन पर ज़हरक और ऐसा बोझ आ जो तेरी कमर टूटती पई है तू ये महसूस करे ना हमें मेरी कमर टूटने वाली है क्योंकि रसूल पाक गुम होते हैं जदा रसूल की गाल कोई ना सुने तबलीग कोई ना सुने कुरान का मैसेज कोई ना सुने परेशान थे भूल भूल रहे हैं बत अल्लाह जिब्राइल भी था कि तू भूलता क्यों है तू परेशान क्यों थी मैं तू अपने आप को क्यों खाना मैंने लाला का बाख नफ्स का अल्लाह यकून मोमिनीन अगर ये मोमिन नहीं थी ने ना थी मैं बल्ले का नहीं बनाओ आया मेरी तरफ एक मैसेज एक पैगाम है तेरे तो सिर्फ यो कुछ है कि तू पहुंचा दे बनावना तेरा कम नहीं बस तू नसीहत कर पैगाम पहुंचा तू तो नसीहत करने वाला है पैगाम पहुंचाने वाला है बनवाने वाला है लेकिन वो हुजूर के अंदर जरा अपना एक एहसास है उम्मत के बारे एहसास है और वो एहसास घिन के टुरे ते क़यामत तली वो एहसास नजर आसी ज़हरा दे बाबे हर नबी को अपनी अपनी लगी हो सी इब्राहिम आपसी नफसी नफसी आदम आपसी नफसी नफसी परवरदिगार बस मैं को बना दे मैं को बचा नूह आपसी नफसी नफसी लेकिन एक सोना जिया राग सारे नबी का अलग हो सी अपने वास्ते दुआ नमक सी हसन हुसैन वास्ते दुआ नमक सी अपनी बेटी वास्ते दुआ नमक सी बल्कि उस चिलचिलाती धूप के विच ज़हरा दा बाबा ही का दुआ नमक सी उम्मती उम्मती परवरदिगार मेरी उम्मत को बच दे
मेरी उम्मत को वो दर्द जरा खुलता हा मक्के के गलिया के वो पैगंबर खेल के गया। ऐसा मोहसिन नबी कह को नहीं मिलना जी मैं सब मिले जरा अपनी औलाद वास्ते दुआ नहीं मंगता, अपने घर वास्ते दुआ नहीं मंगता, अपनी जान वास्ते दुआ नहीं मंगता, उम्मत वास्ते दुआ उम्मत को चाहिए वफा करनी चाहिए। ऐसे मोहसिन वरफअना लका ज़िक्रक ऐ मेरा हबीब मेरा ताहा यासीन मुज़म्मिल आज़म अशरफ नबी मैं तेरा जिक्र बुलंद नहीं कर छोड़ा। मोहसिन लिखे तफ़सीर नमूना वाले ने लिखा है कि पैगंबर आदि परवरदिगार तय फुलान नबी को इतने मौजे अता कीते वो मिट्टी का परिंदा बनेंदा वह तू कबूदा छुड़ेंदा तय फुलान नबी को ऐसे मौजे दिखे वो मुर्दे जिंदा करेंदे फुलान नबी को मौजा दिता वो पानी से छुड़द फुलान नबी ये हवा ही छुड़द मैं को क्या दिते आवाज कुदरत आई तय को मैं सब तुझे आ गई और पहला इनाम तो तेको ये दिता मैं क्यामत तक मेरी तौहीद मुकम्मल नहीं थी जकर तो कमाई जिथा मेरा ना तेरा उम्मती चैसी तेरा नाम चैसी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बताई ना और मैं तू घबरा नहीं असल तेरा जिक्र बुलंद कर छोड़ा असल तेरा जिक्र बुलंद कर छोड़ा। फिर पैगंबर ने दुआ मंगी बद कर मैं ईमान अता किया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउल बदी क्योंकि पैगंबर ही तो मुझे थी मैंने है ना मैं तो हाँ तो अली बड़ी मोहब्बत करेंगे फाइंदा बड़ा उम्दा मैसेज है। अक्सर नौजवान घबरा बैन बेरोजगारी देवी घबरा बैन कोई परेशानी आवे परदेसी घबरा बैन कोई इस किस्म का मसला आवे दुनियादारी का घबरा बैन इन दो आयत दे विच बेहतरीन खुशखबरी है फरमाया फाइजा फाइंदा माल उसर युसरा कि यकीनन इन्ना नमन आने यकीनन तहकीक कोई डाउट कोई नहीं इधर कोई शक कोई नहीं माल उसर युसरा हर मुश्किल के साथ आसानी मौजूद है। ये तर्जमा गलत है कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है नहीं हर मुश्किल के साथ एक आसानी जुड़ी हुई है जब भी मुश्किल खत्म होगी आसानी आपको मिल जाए। परेशान थी मन जरूरत कोई नहीं मौला मिल वो मनी खूबसूरत इशाद है पर मैंने उनके कमाल का रास्ता मुश्किलात की घाटियों से गुजरता है। अगर तुम बुलंदियों से बढ़ना चाहते हो असीम इंसान बढ़ना चाहते हो तो वक्त परेशान रखी हो तो रस्ते दे कांटे ही कांटे हो सके मुश्किलात ही मुश्किलात हो सके पत्थर ही पत्थर हो सके घबरावना नहीं आखिर कामयाबी तुम्हारे कदम से फिर फरमाए ताकीदन इन्ना माल उसर युसरा ऐ मेरा हबीब मैं दोबारा तो याद दहानी करा रहे और अपने उम्मतियां तक भी ये पैगाम देवे कि यकीनन हर परेशानी के साथ एक आसान परेशानी का नाम आसान देखिए ये बंदा इंतहाई परेशान और होना चाहिए भी है घर देवी हर वक्त मुश्किल हर वक्त परेशानी हर वक्त मुसीबत जी लेकिन अगर शेख सादी की मिसाल की वजह तो यह दुनिया तुर पवे जेड़ा मुसीबत बाकी लोगों के उत्ते गठा पैन ये आखिरी बारी ये मुसीबत है ही कोई ना शेख सादी टुरिया बुढ़ी जी बार शौक लग गया मैं इल्म हासिल करना चाहता सहराज गया जुती टूट गई उस वेले आवाज है दहन कोई ना जंगल ही जंगल खार ही खार कांटे ही कांटे जुती टूट गई पैरों के छाले दीगर तई एक जगह पर गया बस्ती दे भी नमाज पढ़ दी ना शिकायत करे ना मैंने अल्लाह की बात परवरदिगार तेरी राज निकला हम इल्म हासिल करे सा ये तो मुश्किल ही मुश्किल जुती टूट गई है पैरों छाले तेरा मस्जिद के दरवाजे तक पहुंचा योजिया इबरतनाक मंजर दिखा सी जो मत अपने अल्फाज वापस गिंदे आदे परवरदिगार मैं अपने अल्फाज वापस गिंदा क्यों परवरदिगार मैं कुछ जुती तो दीती है ये तो इो जो बंदा है जैसे पेर ही कोई नहीं अल्लाह यही तक कि मैं जिंदगी बसर करना पर लिहाजा मैं अपने अल्फाज वापस इन वास्ते फरमाया जब मुसीबत छो ना
ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਅਗਰ ਨੀਅਤ ਜਾਂ ਦਿਲ ਨਾ ਰੁਕਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਰਬਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਬਲਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਜ਼ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 20 ਮਿੰਟ ਕੋ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਖੁਸ਼ ਕੀ ਬਣ, ਜਿਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਆ ਦੇ ਯਾਰ ਬਸ ਛੋੜ, ਪੀਓ ਕੁਝ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਉਂ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਕਿੰਨੀ ਤਸਰੀਫੀ ਹੈ। 72 ਘੰਟਾ ਨਾ ਚਾਹ ਛੋੜਨਾ ਆਸਾਨ, ਤ੍ਰਾਏ ਰਾਤੀ ਤ੍ਰਾਏ ਦਿਨ, ਤਸ ਵੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਬਸ ਬਿਸਤਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਨਰਮ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਸਮਝੀ ਸਰ, ਬਸ ਉਹ ਘਰ ਵੱਲ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੇਣੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਦਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਮਤ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਸਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਨਿਮਤ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਰਬਲਾ ਜੈਸੀ, ਕਿ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ ਝਿੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਮਾਲ ਉਸ ਦੀ ਦੂਸਰਾ ਯਕੀਨ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਸਾਥ ਆਸਾਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਹਬੀਬ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖਤਮ ਥੀ ਵਨੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਆ ਵਨੇ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਸਾਨੀ ਹੈ। ਫਾਇਜ਼ਾ ਫਰਕ ਤਫਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਿਗ ਥੀ ਵਨੇ ਨਾ ਤਬਲੀਗ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜਾ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਰ, ਇਬਾਦਤ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਇਬਾਦਤ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕਰੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਕੂਨ ਦਾ ਬਾਇਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਰਹਿੰਦਾ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇ ਸੀ। ਮਨ ਲੀ ਗੈਰੋ ਅਮੀਰ ਮੋਮਿਨੀਨ ਜੈਸੀ ਹਸਤੀ, ਬਾਰਗਾਹ ਖੁਦਾਵੰਦੀ ਤੜਕ ਤੜਕ ਕੇ ਮਸੱਲੇ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਮਨ ਲੀ ਗੈਰੋ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰਾ ਤੇਰੇ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਰਹੀਮ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਰ ਤੇ ਵੰਜਾ। ਮਨ ਲੀ ਗੈਰੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਤਲ ਅਫਵਾਹ, ਲੋਕਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ ਅਧਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ, ਮਸਕੀਨ ਮੁਕਾਬਲ ਫਿਨਾਇਕਾ, ਯਤੀਮ ਮੁਕਾਬਲ ਫਿਨਾਇਕਾ, ਫਕੀਰ ਮੁਕਾਬਲ ਫਿਨਾਇਕਾ। ਇਮਾਮ ਜ਼ੈਨਾਬਦੀਨ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਮੁਨਾਜਾਤ ਹੈ, ਫਕੀਰ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਕਾਬੇ ਦਾ ਗਿਲਾਫ ਨੱਪ ਕੇ ਅਤੇ ਇਮਾਮ ਸੱਜਾਦ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ, ਮਿਸਕੀਨ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਫਕੀਰ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰ। ਫਾਇਜ਼ਾ ਫਰਗ ਤਫਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪੈਰ ਸੁਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਿੱਛੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਤਨਾ ਆਖਿਆ, ਤਵੱਜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ, ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਤਨਾ ਆਖਿਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਸੁਜ ਮਿਲੇ। ਪਰਵਰਦਿਗਾਰਾ ਤੈਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰ, ਬਸ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੱਜ਼ਤ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਆ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੱਜ਼ਤ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜ਼ੁਲੈਖਾ ਜਦਾ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਸਰ ਸਜਦੇ ਤੇ ਰੱਖਾ ਸੀ, 40 ਦਿਨ ਯੂਸੁਫ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ, ਯੂਸੁਫ ਆਖੇ ਪਏ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਬਚਾ ਕਿਆ। ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਂ ਤੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੋ ਹਕੀਕੀ ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੋ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕੋ ਦੁਨੀਆ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ। ਹਾਂ ਅਗਰ ਹਕੀਕੀ ਲੁਤਫ ਮਿਲ ਵੇ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਸਹੀ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੁੜ ਵਜੇ ਪਿਆਰ ਕੀ ਬਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਥੀ ਸਮਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨੀਂਦਰੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਉਹ ਪੱਖੀ ਵਾਲੀ ਘਰ ਤੜਪਦੇ ਰਹਿ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤਹਜਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਥੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਰੱਬ ਦੀ ਤੋਂ ਫਰਗਾ, ਬਸ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਰਾਗਿਬ ਥੀ ਮੈਂ, ਆਪਣੀ ਚਾਹਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਾਫ ਕਰ। ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦੇ।